सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी में अपन माइक्रो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स देख रहे थे। माइक्रो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था हमने, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज को। तो याद आ रहा है कुछ कुछ लास्ट क्लास में क्या किए थे? माइक्रो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स में क्या था प्रॉब्लम? एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज में फर्स्ट पॉइंट क्या था अपना? ए पॉइंट था व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस। तो व्हाट टू प्रोड्यूस मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, इसमें चॉइसेस बताई थी मैंने। अब रही बात हाउ मच टू प्रोड्यूस, अब हाउ मच टू प्रोड्यूस में क्या आएगा कि कितनी क्वांटिटी में क्या प्रोड्यूस करना है। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम, माइक्रो इकोनॉमिक प्रॉब्लम में अगर हमको रिसोर्स एलोकेट करना है तो व्हाट टू प्रोड्यूस में मैंने चॉइसेस डिस्कस की थी। अब हाउ टू प्रोड्यूस मतलब अब जो चॉइसेस जो हम सिलेक्ट करेंगे तो अब इनको कैसे प्रोड्यूस किया जाएगा, हाउ, इसमें हाउ मच टू प्रोड्यूस। हाउ मच टू प्रोड्यूस का मतलब यहाँ पे रिलेवेंट क्वांटिटी से है, याद रखना। हाउ मच मतलब कितना क्वांटिटी की बात कर रही हूं मैं। नेक्स्ट इसमें क्वालिटी भी आ जाएगा, इसमें देखो ये इस प्रॉब्लम को हाउ मच टू प्रोड्यूस का एक दूसरा नाम हो सकता है चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी। चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजीज को इसलिए बोल रहे हैं कि देखो प्रोड्यूस करने के लिए हमको मशीन्स वगैरह चाहिए, और मशीन्स वगैरह इनडायरेक्टली क्या है, टेक्नोलॉजी का पार्ट है। तो हम कौन सा मशीन यूज़ करेंगे, हम कौन सी टेक्निक्स यूज़ करें, हम कौन सी टेक्नोलॉजी को यूज़ करेंगे जिसकी वजह से क्वालिटी अच्छी हो, या फिर क्वांटिटी ज़्यादा हो, कॉस्ट कम हो, या फिर दूसरा इसको ये भी बोल सकते हैं। इसमें प्रॉब्लम क्या है, मेन प्रॉब्लम है, द प्रॉब्लम इज टू डिसाइड अबाउट लेबर इंटेंसिव टेक्निक। अगर हम क्वांटिटी या क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं तो हमको लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करनी है कि कैपिटल इंटेंसिव। हम जो भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं, गुड्स कर रहे हैं, हम उसको जो लेबर्स हैं हम उनके थ्रू उसको प्रोडक्शन करवाना चाहते हैं, या फिर हम कैपिटल इन्वेस्ट करके कोई मशीन लेके आए और उसके थ्रू करें। तो इसमें हाउ मच टू प्रोड्यूस में चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी भी है, कौन सी चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी, हम लेबर इंटेंसिव चूज करें या फिर हम कैपिटल इंटेंसिव चूज करें, या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन चूज करें, या फिर ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन। जब भी बोलूंगी तो याद रखना दोनों के कॉम्बिनेशन की बात कर रही हूँ। ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन में क्या हो जाएगा, इसमें इनपुट्स में लेबर एंड कैपिटल बोथ, या फिर मैं दोनों का करूं, लेबर एंड कैपिटल बोथ। नेक्स्ट ये प्रॉब्लम क्यों होती है, क्योंकि रिसोर्सेज बहुत कम है। कॉज क्या है इसका, जो कॉज ऑफ प्रॉब्लम है इसमें, हमको चूज भी क्यों करना पड़ रहा है लेबर और कैपिटल में। दूसरा लैक ऑफ रिसोर्सेज मेन रीजन है इसका। नेक्स्ट कोई बता सकता है इसमें और क्या रीजन हो सकता है लैक ऑफ रिसोर्स के अलावा? मैम एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, हाँ ये भी हो सकता है, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। दूसरी चीज देखो, इसमें एक चीज डालो, हमको चॉइस क्यों करनी पड़ रही है, पता है कि प्रोडक्ट इकोनॉमिकल हो। इकोनॉमिकल होना मतलब सस्ता होना, वो बजटेड होनी चाहिए लोगों के, उसमें किसमें आनी चाहिए, ये बजट में आनी चाहिए। तो इसमें लिखो प्रॉब्लम क्या है मेन, इसमें प्रॉब्लम हम इसको क्यों फेस कर रहे हैं, इज टू यूज रिसोर्सेज मोस्ट इकोनॉमिकली। बेटा एक सेकेंड वेट करना,
इसमें थर्ड लिखना है, देखो चॉइस हमको क्यों करनी पड़ रही है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू चूज टेक्नोलॉजी विच यूजेस रिसोर्सेस मोस्ट इकोनॉमिकली. याद रखना ये वर्ड आपको मेंशन जरूर करना है अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. इकोनॉमिकली होगा तो ही उसमें चीजें हेल्पफुल रहेंगे. किसी को डाउट है यहाँ तक पूछो. ये तो देखो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज था फर्स्ट, जिसमें व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस था, है ना. अब इसमें सेकेंड अगर मैं देखूं तो वो हो जाएगा फॉर होम टू प्रोड्यूस. ये देखो इसमें मैंने दोनों एक्सप्लेन किया है, हाउ टू प्रोड्यूस भी इसमें एक्सप्लेन हो चुका है, हाउ टू प्रोड्यूस जो अभी मैंने बताया. अब तीसरा इसमें ऐड करो फॉर होम टू प्रोड्यूस. देखो जो ये था कि क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, क्वालिटी कितनी होनी चाहिए, वो आप हाउ मच में एंटर कर सकते हो. और जो हाउ टू प्रोड्यूस है सेकेंड वाला, इसमें आप ये वाला ऐड करेंगे. ये जो कॉजेज ऑफ प्रॉब्लम लिखा है मैंने, लेबर है कि कैपिटल है, कि लेबर इंटेंसिव टेक्निक चूज करनी है कि कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक चूज करनी है, ये आप इसमें मेंशन करना हाउ टू प्रोड्यूस में. अब सेकेंड है इसमें फॉर हाउ, फॉर होम टू प्रोड्यूस. होम टू प्रोड्यूस मतलब किसके लिए, तो इसको बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. हम जो अपना प्रोडक्ट बना रहे हैं वो किस पर्टिकुलर टारगेट ग्रुप को माइंड में रख के हम उसको बना रहे हैं, प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं इसको बेसिकली. बेसिक इसमें ए पॉइंट लिखो थर्ड में, फॉर डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सोसाइटी. या फिर बी पॉइंट आएगा फॉर पास्ट, सॉरी पास्ट नहीं, प्रेजेंट एंड फ्यूचर बोल सकते हैं इसमें. देखो डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सोसाइटी का मतलब क्या पे है यहाँ पे, डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सोसाइटी का मतलब है यहाँ पे जैसे सपोज एक एज ग्रुप को देख लो, 10 टू 20 ईयर्स का एक अलग एज ग्रुप होता है, उनके नीड्स चॉइसेस रिक्वायरमेंट्स अलग होते हैं. 10 टू 20 नहीं बोल सकते, 10 टू 18 तक के, ठीक है. फिर 18 से 22 के रिक्वायरमेंट्स एंड चॉइसेस अलग हैं, 22 टू 30 जो एज ग्रुप है उनके नीड्स चॉइसेस रिक्वायरमेंट्स अलग हैं, प्लस मेल के रिक्वायरमेंट्स अलग हैं, फीमेल रिक्वायरमेंट्स अलग हैं. अगर आप एक उसमें देख सकते हैं क्लास में देख सकते हैं, तो लोअर इनकम लोगों की चॉइसेस अलग हैं, मिडिल इनकम की अलग हैं, और जो अपर मिडिल क्लासेस हैं जो रिच लग्जरियस लाइफ अफोर्ड कर सकते हैं तो उनके नीड्स और चॉइसेस अलग हैं. तो डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं एक सोसाइटी में. या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि स्कूल गोइंग की नीड्स अलग है, कॉलेज गोइंग की नीड्स अलग है, जो वर्किंग है जॉब वर्किंग है उनके नीड्स अलग है, जो बिजनेस है अलग है. तो आपका जो प्रोडक्ट है आप किसके लिए प्रोड्यूस करना चाहते हैं, फॉर होम टू प्रोड्यूस. तो आप इसमें क्या फेस करेंगे, प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फेस करेंगे, किसमें, डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सोसाइटी में. दूसरी चीज देखो इसमें लिखा है प्रेजेंट एंड फ्यूचर. तो क्या आपका जो प्रोडक्ट है वो सिर्फ अभी प्रेजेंट कंडीशन के अकॉर्डिंग है या फिर फ्यूचर कंडीशन के अकॉर्डिंग है. अगर फ्यूचर में सिनेरियो चेंज होता है तो आपका प्रोडक्ट इतना कैपेबल है कि वो फ्यूचर में भी उसको नीड्स को और उसको फुलफिल कर सके. क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि रिसोर्सेज लिमिटेड क्वांटिटी में, रिसोर्सेज किस में क्वांटिटी में है, रिसोर्सेज एक एजम्पशन याद रखना, रिसोर्स आर स्केर्स. दूसरी चीज रिसोर्स आर लिमिटेड, एक तो स्केर्स है, रिसोर्सेज क्या है लिमिटेड है, प्लस क्या है उसमें और क्या है रिसोर्सेज का बताओ. एक तो रिसोर्स स्केर्स है और क्या है रिसोर्सेस बताओ, लिमिटेड चॉइस में है और क्या बोल सकते हैं इसमें वर्ड बताओ,
बताओ। है ना, तो देखो डाउट है तो फिर से बता रही हूँ। देखो रिसोर्सेज स्केर्स हैं, लिमिटेड हैं, तो रिजल्ट क्या है उसका, एंड रिजल्ट क्या है, जो आउटपुट भी है वो लिमिटेड क्वांटिटी में आ रहा है। हमने जो पर्टिकुलर टारगेट ग्रुप चूज किया है, ठीक है, तो क्या हम उसमें भी कंप्लीट सप्लाई दे पा रहे हैं कि नहीं, ये भी एक चीज मैटर करेगी इसमें। दूसरा चीज देखो, कैपिटलिज्म वर्ड सुना है बेटा? कैपिटलिज्म, कैपिटलिज्म आजकल न्यूज में भी बहुत रहता है। ये कैपिटलिज्म क्या होता है? ये होता है मैम, मशीन के थ्रू यूज होता है, लेकिन प्रॉफिट जो ग्रुप है, जो प्रॉफिट प्रॉफिट मेन मोटिव रहता है, कंज्यूमर्स को रहेगा, इसमें मेन कंज्यूमर रहेगा। एक हाँ कुछ बोलना है बेटा, बोलो मैम। प्रॉफिट मेन मोटिव होता है इसका, कंज्यूमर का, ना कि स्टेट का। हाँ कंज्यूमर का होता है इसमें एक्चुअली। और चीज क्या देखी जाती है? परचेजिंग पावर देखी जाती है। किसकी? कंज्यूमर की। परचेजिंग पावर ऑफ कंज्यूमर देखी जाती है इसमें, है ना? तो कंज्यूमर जितना अफोर्ड कर सकता है इसमें। दूसरा देखो, सोशलिज्म में क्या होता है, इसमें कंज्यूमर को नहीं देखा जाता है, इसमें जो गुड्स हैं, सर्विसेज हैं, उसमें जो डिसीजन लिया जाता है किसके बेस पे? इंडिविजुअल बेस पे, ठीक है। इसको लिखो डिसीजन, लिख लो ये पॉइंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी काम आएगा आगे वाले टॉपिक में। डिसीजन टेकन ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ इंडिविजुअल। देखो इन शॉर्ट हम ये भी बोल सकते हैं, कैपिटलिस्टिक में क्या होता है, जो प्राइवेट प्लेयर्स होते हैं वो प्ले करते हैं। सोशलिज्म में कौन प्ले करता है? गवर्नमेंट प्ले करती है। फिर से रिपीट कर रही हूँ, कैपिटलिज्म में प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो प्ले करते हैं, सोशलिज्म में कौन प्ले करता है? जो गवर्नमेंट है। और मिक्स्ड में क्या हो जाता है? दोनों, प्राइवेट पब्लिक का। तो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी एक वर्ड आएगा, सोशलिस्टिक इकोनॉमी, और एक वर्ड आएगा अपना मिक्स्ड इकोनॉमी। तो मिक्स्ड में कैपिटलिज्म प्लस सोशलिज्म दोनों, मतलब पब्लिक और प्राइवेट दोनों प्लेयर्स सामने रहेंगे, एक साथ मिलके काम करेगा। तो बताओ इंडिया कौन सी इकोनॉमी है कैपिटलिज्म सोशलिज्म की? मिक्स्ड, मिक्स्ड इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी है। हाँ अब आगे देखो, इसमें यहां तक कोई डाउट है? अब एक चीज और आएगी, ठीक है, इस थर्ड वाले पॉइंट में रिवॉर्ड्स, रिवॉर्ड्स आएगा। माइक म्यूट कर लो बेटा, माइक म्यूट कर लो, किसी का रह गया ऑन। रिवॉर्ड्स होता है, मैंने जब माइक्रो इकोनॉमिक कर रही थी स्कोप बताया था, तो मैंने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हम कैसे रिवॉर्ड करते हैं बताओ, एक वर्ड मेंशन किया था मैंने तब, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कैसे रिवॉर्ड किया जाता है बताओ। क्या क्या है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बताओ तो। चलो थोड़ा सा रिवाइज करते हैं लास्ट क्लास में। लैंड याद आया? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। लेकिन हम इनको रिवॉर्ड कैसे करेंगे? रिवॉर्ड कैसे करेंगे बेटा, सोचो। लैंड, लेबर, कैपिटल और ऑर्गेनाइजेशन, हम इनको रिवॉर्ड कैसे करेंगे? कैपिटल को इंटरेस्ट करेंगे, लेबर को वेजेस, हाँ, ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट, हाँ सही है। लैंड को हम क्या देते हैं? रेंट देते हैं। लेबर को हम वेजेस देंगे, कैपिटल को प्रॉफिट, सॉरी कैपिटल को इंटरेस्ट, और ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट, प्रॉफिट। देखो ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, इसको मैं ये बोल सकती हूँ कि थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग,
है ना, इसको पहले थ्योरी ऑफ उसमें लिया जाता था डिस्ट्रीब्यूशन में, फिर देखो ये थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग, ये जो प्रॉब्लम है ये देखो मैं हाईलाइट कर रही हूँ, रेड स्पॉट को फॉलो करना है इसमें, ये देखो डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सोसाइटी, ये क्या है प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरी चीज हमको इसको क्या करना है, अपने प्रोडक्ट को इकोनॉमिक रखना है, देखो मोस्ट इकोनॉमिकली है ना, तो हमको प्राइस भी कम करना है, लेकिन जब हम लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी चूज कर रहे हैं या फिर कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी चूज कर रहे हैं, वॉट एवर द टेक्नोलॉजी वी आर यूजिंग, तो हमको इनको रिवॉर्ड देना पड़ेगा, और अगर हम इनको रिवॉर्ड दे रहे हैं तो ऑटोमेटिकली जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो क्या होगा, बढ़ेगा, बताओ प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगी कि कम होगी, बताओ। मैम बढ़ेगा, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगा या फिर प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ना भी नहीं बोल सकते हम, ये भी बोल सकते हैं कि जो कॉस्ट है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, ऑब्वियसली ना इन सब चीजों की वजह से ही आएगी ना, लैंड है, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन की कॉस्ट तो आएगी, प्लस जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट है वो भी आएगी, प्लस इनडायरेक्ट कॉस्ट, तो क्या होगा, कॉस्ट क्या होगी, बढ़ेगी ना। और दूसरा हम इसमें क्या बोलते हैं, डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सोसाइटी के लिए तो कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी तो ये है कि फॉर होम टू प्रोड्यूस, तो देखो वो भी इससे कनेक्टेड है, जब कॉस्ट उसकी इतनी बढ़ रही है तो हम कौन से टारगेट ग्रुप को माइंड में रखते कर रहे हैं उस प्रोडक्ट को, अगर हम मिडिल इनकम के लिए कर रहे हैं तब तो ठीक है कि वो उसमें से वो परचेज कर पाएगा, लेकिन अगर हम लोअर इनकम के लिए ग्रुप को अगर हम टारगेट कर रहे हैं तो क्या उनके लिए अफोर्डेबल है। देखो इसलिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स मार्केट में आते ही फेल हो जाते हैं, तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखना है, फॉर होम टू प्रोड्यूस, क्योंकि जो फैक्टर्स को जब हम रिवॉर्ड्स करेंगे तो उससे कॉस्ट तो बढ़ेगी, और जैसे जैसे कॉस्ट बढ़ते जाएगी तो ये प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी बढ़ता जाएगा। दूसरी चीज इसमें एक और कोरिलेट करनी है आपको, अगर इंडस्ट्री लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी यूज कर रही है, ये मैं प्रेजेंट और फ्यूचर को देख के बता रही हूँ, ठीक है, जो लैंड लेबर कैपिटल बताया था ये डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सोसाइटी से रिगार्डिंग बताया था, अब देखो ये जो मैं बता रही हूँ आपको ये डिफरेंट ग्रुप, सॉरी प्रेजेंट एंड फ्यूचर, अगर इंडस्ट्री लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी यूज करती है, लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी यूज करेगी तो ये एज्यूम किया जाता है कि जो वो इंडस्ट्री है, ठीक है, वो किस पे ज्यादा ध्यान दे रही है, कंज्यूमर गुड्स पे, लेकिन अगर वो कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी चूज कर रही है तो वो किस पे ध्यान दे रही है, फ्यूचर गुड्स। अब देखो इसमें